हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ट्रिक्स लर्न फॉर सक्सेस। आज की जो हम क्लास में कवर करेंगे वो हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ये फ्रेजल वर्ब्स का मेरा पहला पार्ट है। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब मस्त से पता होना चाहिए। और क्योंकि फ्रेजल वर्ब की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये क्यों यूजफुल है, पहले हम ये जान लेते हैं। ये हमारा जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें आते हैं। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है, यहाँ कुछ लिखा होगा ये ब्लैंक होगा, फिर ये लिखा होगा ये ब्लैंक, ऐसे तो बीच में हमको फिलअप करना होता है, उसे बोलते हैं क्लोज टेस्ट। तो हमें क्लोज टेस्ट को पूरा करने के लिए फ्रेजल वर्ब्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम करते हैं तो हम सेंटेंस को, उसको, पैसेज को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें फ्रेजल वर्ब का लिटरली मीनिंग नहीं पता होगा। ओके, एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की कराऊंगी, उसमें आपको बहुत सारा फ्रेजल वर्ब का यूज करके भी बताऊंगी कि कैसे पूछे जाते हैं। एंड स्पॉटिंग एरर्स इसमें तो पूछे ही जाते हैं। आप सब प्रेपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट सारा सेक्शन कवर करने के लिए हमें फ्रेजल वर्ब्स याद होने चाहिए, पता भी होने चाहिए। एंड फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं वो देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब होता है, इसमें वर्ब होती है और साथ में प्रिपोजिशन को ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ब दे रखी है ना गो, और प्लस में इनटू क्या है, एक प्रिपोजिशन है, हमने ऐड कर दिया। गो मीन्स क्या होता है, जाना। इनटू अगर हम किसी चीज के अंदर जाते हैं उसे बोलते हैं गो इनटू, लेकिन इसका लिटरली मीनिंग किसी के अंदर जाना नहीं होगा। गो इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। क्या होता है, छानबीन करना। गो अंडर, गो अंडर मतलब होता है फेलियर। ओके, एंड गो आफ्टर, गो आफ्टर मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, वर्ब देखो सेम है गो, लेकिन इसके साथ प्रिपोजिशन बदलने से क्या हुआ, सारे वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो गया। इसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। वर्ब रहेगी, वर्ब चाहे सेम हो लेकिन उसके आगे की अगर प्रिपोजिशन चेंज हो जाती है तो पूरे उस वर्ड का क्या हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट है हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मीन्स होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, मतलब आप किसी चीज के लिए अकाउंटेबल हो, आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है आपने किसी काम को करने की, वो सही होता है या गलत होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रीजन देना पड़ेगा कि ये चीज इस तरीके से हुई। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन। मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिए हैं इसमें। यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिस्टेक्स। एडअप, एडअप, एडअप तो नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज को एडअप करना मतलब ज्वाइन करना, किसी चीज को क्या करना, प्लस करते जाना, एडअप करते जाना। ओके, एडअप दीज वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक, मतलब इन वर्ड्स को ऐड कर लो अपनी किसमें, वर्ड बैंक में। आंसर फॉर, आंसर फॉर मीन्स होता है टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब अगर आप चीज किसी भी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ओके, कोई भी चीज हम ले सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना है घूमने, तो ठीक है आप बड़े हो तो आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि सारे लोग एक साथ रहें, राइट, कोई कहीं खो ना जाए। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो आपको इसका क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आंसर फॉर मीन्स क्या होता है, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट आंसर फॉर द मिस्टेक, मतलब मैं इस चीज के लिए जवाबदेह नहीं हूँ इस मिस्टेक के लिए। ठीक है, आस्क आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है कि इंक्वायरी करना किसी की हेल्थ के बारे में, टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन। जैसे ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। आई मेट अलका एंड सी वॉज आस्किंग आफ्टर यू, मतलब मैं अलका से मिली और वो तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसी हो। ओके, हमें कभी किसी की हेल्थ के बारे में पूछना होगा तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, आस्क आफ्टर। नेक्स्ट आस्क फॉर, आस्क फॉर मीन्स होता है डिमांड, मतलब आप मार्केट में गए और आप किसी चीज के लिए पूछ रहे हो कि भाई आपके पास वो सामान है क्या। आस्क फॉर मतलब वो चीज क्या है, सामान जो क्या है, डिमांड में है। सी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी, मतलब उसने अपनी सैलरी को हाइक, हाइक मतलब होता है इंक्रीज करना, सैलरी में इंक्रीज करने के लिए क्या किया, डिमांड किया। आस्क फॉर मतलब देखो, जैसे कि अगर हम कभी भी सेंटेंस हमारा पास्ट में हो जाए या कंटिन्यूअस में हो जाए तो ये जो वर्ब होती है ना हम इसको चेंज करते हैं, या तो हम इसमें आईएनजी लगाएंगे या फिर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन ये जो प्रपोजिशन होती है
इसके साथ हम कुछ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अटेंड ऑन। अटेंड ऑन मीन्स होता है टू सर्व। जैसे मान लो आपने कोई फंक्शन अटेंड किया, ओके, आप वहां पे गए, तो आपको जो लोग वहां पे अटेंड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, आपको सर्विसेज देंगे, सेवा करेंगे आपकी। ठीक है, टू सर्व करना। राधिका हैज मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर, मतलब राधिका के पास काफी सारे सर्वेंट्स हैं उसकी सेवा करने के लिए या फिर उसका ध्यान रखने के लिए। अटेंड ऑन मीन्स टू सर्व। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बैक ऑफ। बैक ऑफ मीन्स क्या होता है? बैक ऑफ होता है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। मतलब आप बैक मतलब होता है पीछे, ऑफ मतलब, ऑफ मतलब क्या होता है, ऑन, ऑफ मतलब बंद कर देना, आप बिल्कुल पीछे हट गए, मतलब आपने चूज कर लिया एक्शन नहीं लेने का। टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइनली शी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, मतलब फाइनली उसने क्या कर लिया, वो बैक्ड ऑफ हो गई अपने प्रॉपर्टी पे जो उसने क्लेम किया था उससे, मतलब जो वो पहले कर रही थी अब वो नहीं करेगी। ओके, एक स्टेप पीछे ले लिया। एंड बैक आउट। बैक आउट समझते हैं, टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, मतलब आप किसी चीज को कंप्लीट, आपने कोई काम स्टार्ट किया, ओके, ये आपका काम था, इस डेट को खत्म होना था, आपने स्टार्ट किया लेकिन आप बीच में आके आपने क्या किया, उसे बंद कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, बैक आउट। कहते हैं ना, आप बैक आउट क्यों कर रहे हो, आपको कंप्लीट करना चाहिए, राइट? तो वही सेंटेंस है ये, यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस, मतलब आपको अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे कंप्लीट करना चाहिए। बैकअप। बैकअप मीन्स, बैकअप तो आपको पता है, कहते हैं ना मेरा बैटरी बैकअप इतना है, मतलब इसका सपोर्ट इतना है। बैटरी बैकअप मीन्स क्या होता है, सपोर्ट। आई नीड पावर बैकअप इन केस द लाइट वेंट ऑफ। नेक्स्ट, ब्रांच आउट। ब्रांच आउट मीन्स होता है टू स्प्रेड, देखो ब्रांच आउट, वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट आर बिजनेस सून। जैसे ये मान लो एक ट्री है, ठीक है, इसकी ब्रांच ये थी और इसकी ब्रांचेस क्या हो गई, और बाहर बाहर जा रही हैं, राइट, और बाहर बाहर जा रही हैं, तो ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ब्रांच आउट मीन्स टू स्प्रेड। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है अपने जो इमोशनली अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाना, टू लूज कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, इमोशनली और मेंटली, ओके। ब्रेक डाउन, वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां, एडवर्स मीन्स क्या होता है, विपरीत सिचुएशन मतलब परिस्थितियां, ओके। हमें क्या नहीं होना चाहिए, अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए बेकार समय में, वी शुड नॉट ब्रेक डाउन। नेक्स्ट, ब्रेक इन टू। ब्रेक इन टू मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, मान लो ये गेट है, ठीक है, आपने इसको तोड़ा पहले, तोड़ने के बाद फिर आप इसके अंदर एंटर कर गए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जबरदस्ती एंटर किया ना उसमें, टू एंटर बाय फोर्स। आपने कैसे एंटर किया, एंटर बाय फोर्स, इसका मतलब होगा, ब्रेक इन टू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स। एन एग्जाम्पल है, द थीफ ब्रोक अप ब्रोक इन टू द हाउस, द थीफ ब्रोक इन टू द हाउस, ओके। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ, बोलते बोलते बीच में मैं रुक जाती हूँ, ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, टू स्टॉप सडनली, ब्रेक ऑफ, मतलब ब्रेक लग गया वहीं पे, ऑफ हो गया वो चीज, तो क्या हो गया वो चीज, वहीं पे स्टॉप हो गई। एग्जाम्पल है, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर, वो मतलब अपने लेक्चर के बीच में क्या हो गई, ब्रोक ऑफ हो गई, मतलब कि चुप हो गई। ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है टू गिव बर्थ या फिर किसी चीज को प्रोड्यूस करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी। करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, मतलब जो करप्शन है वो किस चीज को प्रोड्यूस करता है, किस चीज को जन्म देता है, पॉवर्टी को। ओके, नेक्स्ट, कॉलोन। कॉलोन मीन्स होता है टू विजिट अ पर्सन। आप जैसे एक शॉर्ट विजिट विजिट पे जाते हो ना कहीं पे, तो उसको हम कॉलोन भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द पीएम मोदी विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टम्स टुमारो। तो पीएम मोदी हैं वो क्या करेंगे, विजिट पे जाएंगे, फ्लड विक्टम्स हैं उनके पास कब जाएंगे, टुमारो। कॉलोन मीन्स टू विजिट पर्सन। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी आज की जो थी
क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।